होगी गुड्डू की मसाज, सोने की मसाज, चांदी की मसाज। खुश रहती है, खुश एकदम। बाबू अभी मन नहीं, मन होता है तो खड़ी हो जाती है। ओए गुड्डू, ओए गुड्डू, मसाज होगी आपकी, आपकी मसाज होगी सोना बाबा, आपकी मसाज होगी। ओहो ओहो, करो, चलो चलो करवाओ मसाज, करवाओ अपनी। ओए गुड्डू बाबू, आहा सारे नेल्स मारे हुए हैं फेस के ऊपर आंटी से। आप ही काटना, मेरे से तो कटते नहीं। नेल कटर दे दूंगी आपको ना। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशिष्ठ स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरा और इरा के एक और न्यू ब्लॉग में। तो इतने सारे फंक्शंस अटेंड करने के बाद फाइनली घर के कामों की तरफ मैं कर रही हूँ अपना रुख, क्योंकि भैया घर के काम बहुत ज़रूरी है, बहुत इंजॉय कर लिया। और देखो एक और गुड न्यूज़ सुनाती हूँ आपको, मैंने करवा लिया स्मूदनिंग, क्योंकि यार जब भी कोई शूट वगैरह करना पड़ता है इंस्टाग्राम के लिए तो बाल ना बड़े मेरे फिजी से हो गए थे प्रेसिंग करके ड्रायर करके, तो मैंने एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया, मैंने करा ली है स्मूदनिंग। आप बहुत सारे लोग मुझे मेरे को इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर रील शेयर करी थी अपनी स्मूदनिंग की। तो आप लोग पूछ रहे थे कि आपको हेयर फॉल नहीं होता क्या आफ्टर स्मूदनिंग? तो बहुत ही नेचुरल है कि कोई केमिकल आपके बालों पर लगेगा तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो स्टार्ट होगी होगी। कितना ही बोल दें कि रूट्स में नहीं जाता है, रूट्स में उसका इफेक्ट ज़रूर आता है, बाल कमज़ोर हो जाता है, तो ज़्यादा कॉम करने से, ज़्यादा वॉश करने से बाल ज़रूर टूटते हैं। लेकिन मेरा बाल थोड़ा सा ढीट है। मुझे बहुत कम प्रॉब्लम होती है, सच बताऊँ, झूठ नहीं बोल रही, मुझे बहुत कम प्रॉब्लम होती है बाल टूटने की। तो इसलिए मैं स्मूदनिंग से डरती नहीं हूँ। मैं तो पता नहीं 11वीं 12वीं बार स्मूदनिंग करवाई है, शादी से पहले भी करवाती थी, अब शादी के बाद भी मैंने बहुत बार करवाई है। तो मेरे जो सर हैं, जो मेरे बाल हैं, बेचारे यूज्ड हो गए हैं। अब कुछ दिन बाद इन पर कलर भी करवाऊँगी। क्योंकि क्या क्या कराती है लड़की, कुछ तो ऐसा कराऊँ कि मेरे बाल हल्के हो जाएँ, इतने हैवी बाल हैं ना मेरे, इसलिए मैंने स्मूदनिंग करा ली। कैरेटिन बाद में कराऊंगी, नेक्स्ट मंथ कैरेटिन कराऊंगी, क्योंकि स्मूदनिंग से जो थोड़ा बाउंस है ना आपके हेयर्स का, वो कम हो जाता है, एकदम बाउंस खत्म कर देते हैं। तो चलिए बात कर लेती हूँ आज के व्लॉग की। गुड्डू नहा धो के सो गई है, मसाज तो उसकी हो गई थी, नहा धोने के बाद सो गई है, जब वह उठेगी तो फिर उसे आप लोगों से मिलवाऊंगी और आप लोगों को उससे मिलवाऊंगी। समायरा गई है स्कूल, हदीरा की आज मैंने छुट्टी करा ली क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कफ है, तो बनाना खाती है सुबह सुबह उठ के ना, तो उसकी वजह से कोल्ड हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा कफ है। तो मैम मना करती हैं कि मत भेजा करो बच्चों को, दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन होता है, तो मैंने उसे नहीं भेजा। और ये गए हैं घूमने, मैं हूँ घर पे। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ बच्चों के लिए पाव भाजी, समायरा को खुश करना है, उसे सरप्राइज़ देना है, क्योंकि उसे मम्मा के हाथ की बनी हुई पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है। तो बिना देरी के चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि समायरा गई है स्कूल, मिठू आज घर पर ही है, तो आज मैं बना रही हूँ उसके लिए पाव भाजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और मैंने सब्जियाँ वॉश करके रख दी थी, थोड़ी सी सूखी सूखी हो गई, तो अब मैं उन्हें कुकर में रख रही हूँ, 3-4 उनमें सीटी लगाऊंगी, 3-4 सीटी आने पर ही सब्जियाँ मतलब एकदम से घुट जाती हैं, क्योंकि काट कर सब्जियाँ रखी हैं। सब्जियों में मैंने लिया है गाजर, आलू, गोभी, मटर, बस यही सब्जियाँ ली हैं, आप देख भी सकते हो, बस यही सब्जियाँ ली हैं, इससे ज़्यादा नहीं ली हैं। मतलब इसमें पाव भाजी में आप वो वाली सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो जो आपके बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, कि जैसे कि पेठा, घिया, मतलब कोई भी सब्ज़ी, बीन्स, कोई भी सब्ज़ी जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं वो आप पाव भाजी में ऐड कर सकते हो, क्योंकि घुटने के बाद सीटी, 3-4 सीटी आने के बाद पता ही नहीं चलता कौन सी सब्ज़ी का टेस्ट आ रहा है, सबका टेस्ट मिक्स हो जाता है और बच्चे बड़े खुश होके खा लेते हैं पाव भाजी। और उसके साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ जो मूली की भुजिया होती है ना, वो मम्मी को, मेरे को, पापा जी तो है नहीं, वो भी काम से गए हुए हैं बाहर, तो हमें बहुत पसंद है, तो साथ के साथ मैं मूली की भुजिया भी बना दूँगी मम्मी और अपने लिए। पाव ऑर्डर ये आ गए हैं, 4 पैकेट मंगाए हैं, ज़्यादा नहीं मंगाए वरना बच्चे खाते नहीं है ना, तो फ्रिज में रख रखे सूख जाते हैं। सब्जी में आ गई है सीटी, एकदम से अच्छे से घुट गई है, दिखाती हूँ मैं, ये देखो इसमें मैंने हल्दी और नमक तो डाल ही दिया था, देखो एकदम बढ़िया वाली घुट गई है। अब मैं इसमें लगाऊंगी बढ़िया सा मसाला डाल के तड़का, फिर तैयार हो जाएगी हमारी भाजी।
इसको भी ढक देते हैं। इसमें ले रही हूँ मैं घी पाव भाजी को छौंकने के लिए, फिर बाद में जब ये बनकर तैयार हो जाएगी फिर मैं डाल दूंगी इसमें मक्खन। देखो इसमें डाल दिया मैंने घी, और ये है हमारी सविता जो हमें छोड़ के जा रही है, गंदी सी सविता। भून के तैयार होगी है, अब मैं बारी है इसमें मसाला डालने की। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें पाव भाजी मसाला, इसमें पाव भाजी मसाला के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये देगी मिर्च कलर के लिए। चटपटी नहीं होती है ये बिल्कुल भी ना। और ये डाल रही हूँ खटास के लिए अमचूर, थोड़ा सा देंगे मसाले भुन जाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डाल दिए हैं इसमें टमाटर, कंटिन्यूसली चलाऊंगी। जो भी इसमें साबुत खड़ी खड़ी सी सब्जी दिख रही है ये सब मैश हो जाएगी, क्योंकि अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं कंटिन्यूसली इसको ऐसे ऐसे चमचे से मैश करूंगी, मैशर की कोई ज़रूरत नहीं है अगर पाव भाजी बनानी है तो, क्योंकि मैं तो मैशर कभी यूज़ ही नहीं करती। अच्छे से सब्जी को उबाल के दो तीन चार सीटी लगा के इतना गला दो कि वो चमचे से अच्छे से मैश हो जाए। तो अभी मैं देखना थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, एकदम से ये घुट जाएगी जैसे होती है ना पाव की भाजी, वैसी हो जाएगी सेम। तो भाजी बनने के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ मूली की भुजिया की, जिसमें जिसे मैं छोंक रही हूँ अजवाइन के अंदर। अजवाइन के अंदर ही छोंके हैं अगर आप भी ये भाजी बना ये मूली की भुजिया बना रहे हो। उसमें मैंने लिया है लहसुन खूब सारा और हरी मिर्च, और बाद में थोड़ा सा गर्म मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और नमक ये डाल दिया है इसमें। बहुत टेस्टी लगती है अजवाइन और लहसुन का जो टेस्ट आता है ना इसमें, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसे तीखा रखें, तीखा टेस्ट होता है ना मूली की भुजिया का, तो बड़ा स्वाद टेस्ट आता है। और फिर इसे खाओ या तो मक्के की रोटी के साथ खाओ या पनपती रोटी के साथ खाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम तो ऐसे ही खाते हैं। तो ये बस इसमें एक भाप लगानी है, मूली तो उबली गई थी, अच्छे से सौते करने के बाद इसमें मैं एक भाप लगा दूंगी और बनकर तैयार है मूली की भुजिया। तो अब बारी आती है सबको खाना देने की। सबसे पहले मम्मी जी के लिए, मम्मी के लिए डाल रही हूँ ये है भाजी, जिसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि हरे धनिया की चटनी बन गई थी। प्याज काटी है, प्याज डाल के उसके ऊपर से हरी तीखी सी हरे धनिया की चटनी जो कि मम्मी ने बनाई है वो इसमें मैं डाल दूंगी। और गरम गरम पाव है, ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी मक्खन, अमूल का बटर इसमें मैं डालूंगी। इतना टेस्ट आता है ना, मतलब मुझे बाहर की पाव भाजी समझ नहीं आती। एक तो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, दूसरा उसमें कलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं बाहर की पाव भाजी की बजाय घर में जो बनती है ना वो मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने मम्मी की लगा दी है प्लेट, पहले मम्मी को ये दे के आऊँगी, उसके बाद उनके लिए थोड़ी सी मूली की भुजिया और मिक्स आटे की रोटी, बस इतना ही खाएंगी मम्मी। और ये मैंने अपने मिट्टू बाबू के लिए भी सर्व कर दी है, क्योंकि बड़ी देर से बोल रही है मम्मा पाव भाजी कब बनेगी। तो दादी पोती की दोनों की प्लेट रेडी हो गई है, ऊपर से डाल दिया है इसमें बटर। मिट्टू ने क्या काम किया आपको बताती हूँ, उसने मैंने जब उसे सर्व कर दिया था ना तो ऊपर ऊपर से सारा बटर खा गई, और फिर कह रही मैंने बटर नहीं खाया, वो पता नहीं कहाँ गया वो हो गया। तो मिट्टू तो हमारी मिट्टू ही है। तो अब मम्मी को दे देती हूँ ये खाना। बोलो बनिया है तू हीरो, कैसे बारात में जा रहा हो भैया? कितनी देर का गया फोन? मिट्टू को मैंने दे दिया है खाना, वो खा रही है खाना, मम्मी के लिए भी भिजवा दिया है। अब मैं खाने बैठी हूँ खाना, क्योंकि सारू आएगी लेट, सर्दियों की वजह से उसका टाइम चेंज हो गया है तो लेट आती है। तो मैंने लिया है पाव और हरी चटनी और प्याज,
भाजी और ये मूली की भुजी। तो मैं खाती हूँ खाना और मिलूंगी आप लोगों को खाना खाने के बाद। ऐसी करिए, दोबारा करके दिखा बेटा, अब तू दोबारा करके दिखा। अच्छा अच्छा, निन्नी करके उठे हो तो ये बदतमीजी करनी है। गुडू गुडू गुडू, ये क्या बदतमीजी करिए। ओहो ओहो ओहो, पिको के साथ खेला करो ऐसे हैं। अभी ये वो बुद्धा रखा है ना, बुद्धा को उठा रही थी, नीचे गिरा देती। अभी गंदू गंदू बेबी, गंदू बेबी, गंदू बेबी, गंदू बेबी। और देखो फेस पे कैसे नेल्स मारे हैं, इसके नेल्स कट कर दिए, उसके बाद भी पता नहीं कैसे मार लेती है ये। दिखा अपने नेल्स, दिखा है मैंने काट दिए थे यार, बिल्कुल काट दिए, फिर भी इसके फेस पे निशान नहीं जा रहे। गुडो गुडो गुडो, पीको पीको, ओए गंदू बच्चे, मिट्टू बंद कर। क्या आवाज आ रही है, आ गई। क्या हुआ? मिट्टू गेट के पीछे खड़ी हुई थी। हाँ। मैं आई तो उसने भू कर दिया। हाँ, तू डर गई। हाँ। वाह। और भाई, हाउ वाज योर स्कूल? गुड गुड। चलो कपड़े चेंज कर लो, अब तो छुट्टी है, सैटरडे संडे, बल्ले बल्ले, शाव शावा। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी छुट्टी है सारू। पर मंडे का टेस्ट मेरे शाव शावा नहीं। क्यों, इंग्लिश ही तो है, कर लियो प्रिपेयर फटाफट। सारू गैस कर, आज मैंने क्या बनाया तेरे लिए? चावल चावल। नहीं, सेकंड गैस। नहीं नहीं नहीं, घिया की दाल। जल्दी बता। मंचूरियन। सब बोल रही है, वो ही नहीं बोलेगी जो बनाया है। तुझे क्या पसंद है मेरे हाथ का? मंचूरियन राइस नहीं इतना ज्यादा पसंद तुझे, कड़ी राइस पसंद है? पसंद है। और और क्या पसंद है कड़ी राइस के अलावा? मैक्रोनी? नहीं। पास्ता? नहीं। क्या? सारू को मतलब गाना गाना चाहिए, उड़ता ही फिरू इन हवाओं में कहीं, यहाँ मैं झूल इन हवाओं में कहीं, एक कर दू आसमां और जमीन। ओ माय गॉड, इतनी खुशी। कहो यारो क्या करो क्या नहीं। देखो भाई पागल हो गए मेरी लड़की पाव भाजी की खुशी में। समायरा शर्मा इज गॉन मैड। जान के देख रही है। गुडो। ये बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, ये बहुत स्मार्ट होता जा रहा है। पैन पैन जल्दी पैन। मम्मा काम कर, देख देख मम्मा काम करेगी गुड्डा। आओ खड़े हो। ओम विश्वम। स्वेटर में। अच्छा पैर दबा दूँ एक बार, आपके पैर दबा दूँ पैर। अब देखिए हम पैर उठ दबाएंगे भाई, गुड्डू के हमारे गुड्डू के पैर दब रहे हैं। ये बड़ी हंसी आती है इसको। देख लो इसको, देख लो जरा।
मूड खराब ही रहता है। अभी डैडा से बात करी, डैडा ने क्या बोला क्या लेके आएंगे? कुछ लेके आएंगे, भूल जाएंगे सब। नहीं भूलेंगे नहीं, लेके आएंगे। नहीं सब भूल जाएंगे वो। नहीं प्रॉमिस किया था उन्होंने मेरे को, बोले थे वो, बोले थे कि मैं मिट्टू के लिए टॉयज लेके आऊंगा फैमिली से। अब नहीं लाए तुम, नहीं लाए तो पक्का प्रॉमिस मम्मा का, मम्मा दिलवाएगी अगर डैडा नहीं लेके आए। डैडा लेके आते हैं वैसे, अगर डैडा प्रॉमिस करते हैं तो डैडा लेके आते हैं। नहीं लेके आए, लेके आएंगे बाबू गुड्डू के लिए भी तो लेके आएंगे। अरे हमारे गुड्डू के लिए भी तो लेके आएंगे। हाँ नहीं बोलेंगे, लगा रही है शर्ट, लगा रही है शर्ट, लगा ले, नहीं भूलेंगे डैडा। गुड्डू को वॉकर लिया, नहीं वॉक वॉकर लिया, वॉकर नहीं खेलना। दो 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 मैं बैठ के खेल लेती हूं। देखो छोटी सी बच्ची नहीं रो रही, तू ड्रामे कर ले, आ जा बैठ जा। अरे खेल ले, बहन के साथ, दीदी के साथ खेलो, चलो। तो बच्चों की अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, उनके जो समर्स के जो कपड़े थे वो मैंने पैक करके रख दिए, विंटर्स के सारे निकाल दिए, अलमारी पूरी सेट कर दी। अब बारी थी मेरी अलमारी साफ़ करने की। देखिए मैं अपने जो समर्स के कपड़े होते हैं वो पैक करके नहीं रखती हूँ, उन्हें इसी अलमारी में साइड में रख देती हूँ। जो दूसरी मेरी बच्चों के रूम में जो मेरी अलमारी है उसमें मैं अपना सारा विंटर कलेक्शन रखती हूँ। लेकिन इस अलमारी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। एक तो मेरे को देखना था कि कहीं दीमक कंटिन्यू तो नहीं कर रही है, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है तो दीमक अभी लगी नहीं है। जो लगी हुई थी वो तो साफ कर दी थी, अभी इसको पूरा खाली करने के बाद सोनू से मैं इसमें लगवाऊंगी दवाई। तो आप सब लोग पूछते रहते हो कि गुड्डू की शॉपिंग मैं कहां से करती हूं, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूं कि मैं इसकी शॉपिंग करती हूं फर्स्ट क्राई से। और दिस इज नॉट प्रमोशन, मैं प्रमोशन लेती ही नहीं हूं अपने ब्लॉग्स में चलाने के लिए। प्रमोशन सिर्फ मैं इंस्टाग्राम पे करती हूं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो ये तो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कॉन्टिन्यूसली कि गुड्डू की शॉपिंग आप कहाँ से करते हो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैंने कुछ कपड़े इसके ऑर्डर करे थे, कुछ तो इसके आ गए हैं और भी बहुत सारे ऑर्डर करे हैं, क्योंकि गर्मियों में पैदा होने वाले बच्चों के यही साइड इफेक्ट हैं कि उनके वुलन सारे मंगवाने पड़ते हैं। तो ये मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जैसा फ़ोटो में आ दिखता है सेम वैसे ही आता है। एक तो ये हुडी मंगवाई है, इतनी सुंदर सी। और अब इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है। इसमें आए हैं ये कपड़े, मतलब मैं फैन हूँ फर्स्ट क्राई की बच्चों के लिए, इतने सुंदर कपड़े आते हैं। तो ये देखो, ये मैंने ट्रैक सूट ऑर्डर किया था, बहुत ही सुंदर सा ट्रैक सूट आया है, जब मैं पहनाऊंगी तब इसकी लुक शेयर करूंगी। ट्रैक सूट ये है, ये सुंदर सा पिंक कलर का ट्रैक सूट ये है, और ये है इसका कार्डिगन सेट, मतलब नीचे पजामी है। और ये ऐसे जिप लॉक बैग में आता है, इस बैग को आप बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब जैसे जो गुड्डू के पुराने कपड़े हो गए ना वो मैंने इसी में पैक करके रख दिए हैं। जैसे बहुत सारे ये फर्स्ट प्राइस के पैकेट्स आते हैं, जिप लॉक बैग्स आते हैं, मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इनके अंदर जो उसके पुराने कपड़े होते हैं ना वो पैक करके रख देती हूँ। ये वाला कार्डिगन सेट देखो कितना सब अच्छा है, इसके साथ ऐसे ही विलन की पजामे। तो अभी और सारे कपड़े भी आएंगे कल या परसों में, क्या पता आज शाम तक भी डिलीवर हो जाए। तो जब वो आएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आज आ गए तो आज के ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लूँगी, वरना फिर किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो अब मैं इन्हें रख के करती हूँ फटाफट अपनी अलमारी साफ, क्योंकि शाम होती चली जाएगी और मेरी अलमारी रह जाएगी, वो करना बहुत ज़रूरी है। सर्दी की वजह से अब दीमक तो रुक गई है, दीमक नहीं लग रही है, लेकिन अभी मुझे काफ़ी सारे मेरे नए कपड़े हैं जो मैंने पहने हैं, लेकिन उन्होंने ढंग से पैक करके नहीं रखा, बस वही रखना है मुझे। इस बहाने मेरी अलमारी साफ हो जाएगी, बच्चों की तो मैंने कर ही दी थी। जो कपड़े फैले हैं इनको ज़रा समेट दें, जो पैक करने वाले हैं उन्हें ढंग से पैक कर दूँ। ये लहंगा रखा हुआ है, वो भी लहंगा रखा हुआ है, तो इन्हें अच्छे से पैक करके मैं रखती हूँ। और ये सारे नए कपड़े हैं मेरे, ये जो थैलों में दिख रहे हैं ना एकदम से नए कपड़े हैं, इन्हें सबको अच्छे से पैक करके रखना है, देखना है कौन सा सिलवाना है कौन सा नहीं सिलवाना। और अलमारी हो गई है मेरी पूरी खाली, सोनू ने इसमें दवाई भी डाली।
डेली में पहनने वाले सूट्स हैं, इनकी मैंने तह मार दी है। अभी भी काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनकी ये अच्छे से तह वह मार के फिर मैं रख दूँगी यहाँ पर। और यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कितने ही साफ किया है, फिर भी ये थोड़ा बहुत दीमक के निशान रह गए हैं। सूट है होंगे 2-4 देखो तो पूरा भंडारा है, कोई भंडारा नहीं है, तू चुप है। देखो हट जा, ये देखो हट जा हट जा। अगर आप लोगों को मतलब सूट खरीदने है ना फ्री में, सूट खरीदने फ्री में सारू, तो क्या बोल रही है, पिट जाएगी। तो ना चेतना वशिष्ठ, क्या माँ की इंस्टाग्राम आईडी, चेतना वशिष्ठ पे जाओ, हाँ चेतना वशिष्ठ ऑफिशियल पे जाओ और वहाँ पे डीएम करो मम्मा को, प्लीज एक सूट दे दो कोई भी कलर का। बकवास बंद कर अपने, नहीं ये क्या हो रखा है, बस साफ होने वाला है 5 मिनट और, तुम लोग तो मेरी हेल्प कराते नहीं हो, मैं कब से 2 घंटे से लग रही हूँ। चल बंद कर दे, बस मेरा खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं दोबारा से मिलूंगी। चलो 1 2 3 तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं थक गई हूँ बुरी तरीके से, 2-3 घंटों से मैं लगी हुई हूँ अपनी अलमीरा साफ करने में, और मेरे बहुत तेज सर में दर्द भी हो रहा है, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है, आज मेरी वाट लग गई। अलमारी साफ करना भैया कोई इतना आसान काम नहीं है, सारे कपड़े निकालो फिर उन्हें अच्छे से तह मारो, जो कपड़े यूज़ के नहीं है उन्हें अलग से रखो, जो कपड़े नए हैं उन्हें पॉली बैग में जिचा के रखो, दुनिया भर का काम है। तो फाइनली मेरी अलमारी बिल्कुल सेट हो गई है, ऊपर से भी हो गई है पूरा अंदर तक। रुको मैं बैग क्या, देखो ये पूरी अलमारी मैंने अंदर तक कर दी है, ऊपर तक जहाँ तक मेरा कैमरा जाता है पूरा अच्छे से मैंने सेट करके रख दिया है। तो अब टाइम है आप लोगों को बाय बाय कहने का, गुड नाइट कहने का। वैसे तो व्लॉग ये मैं सुबह डालूंगी, तो तब तो दोपहर ही हो रही होगी, तो अभी 10 बज गए हैं, करेक्ट 10 बज गए हैं। सर में दर्द की मैंने मेडिसिन ली है, बहुत तेज़ मेरे सर में दर्द हो रहा है। और एक और बात, ये ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कि मेरी रिक्वेस्ट है कि बार बार मुझसे ये ना बोलें कि रोज़ व्लॉगिंग करो, मेरे बस की नहीं है भैया, मैं थक जाती हूँ 3 दिन बच्चों को संभालना, घर का काम करना, अपना भी काम करना, तो उसके साथ साथ व्लॉग बनाना और फिर उस व्लॉग की एडिटिंग करना, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझोगे, व्लॉग हर 1 या 2 दिन बाद तो आता ही है, लेकिन रोज़ व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकती, और अब इतने सारे फंक्शंस थे तो उसकी वजह से मैं थक गई थी, जिस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, 3-3, 4-4, 5-5 दिन मेरा व्लॉग आ रहा था। तो अब ऐसा नहीं होगा, हर 2 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ ही जाएगा। तो आई होप आप सारी लेडीज़ इस बात को समझेंगी, क्योंकि लेडीज़ ही देखती है मेरे व्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच मेरा ये व्लॉग देखने के लिए, इन्जॉय करने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।